क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपको थकान, कमजोरी महसूस होती हो, किसी भी काम में मन नहीं लगता हो? तो आज का वीडियो आपके लिए है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया सी एक ड्रिंक लेकर आई हूँ जो कि आपके शरीर से कमजोरी थकान को दूर कर देगी। जी हाँ दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि हमें हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है, थकान लगती है, किसी काम में मन नहीं लगता है, किसी काम को करने की इच्छा नहीं होती है। तो इसे दूर करने के लिए मैं आज आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया होम रेमेडी लेकर आई हूँ और बहुत ही बढ़िया सी ड्रिंक लेकर आई हूँ, जिसे लेने के बाद आपके शरीर से कमजोरी बिल्कुल दूर हो जाएगी, थकान दूर हो जाएगी और आपका हर काम में मन लगेगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या है वो रेमेडी। आज जो मैं आपको ड्रिंक बनाना बता रही हूँ उसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अखरोट लिए हैं। जी हाँ दोस्तों, अखरोट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं हमारे शरीर के लिए और स्पेशली हमारे दिमाग के लिए। ये हमारे दिमाग को बहुत ज़्यादा ताकत महसूस करवाते हैं और बहुत ज़्यादा ताकत देते भी हैं। ये दिमाग की कमजोरी को तो दूर करते ही हैं और साथ ही साथ हमारे शरीर की कमजोरी को भी दूर करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर से कमजोरी को बिल्कुल निकाल देते हैं। और हमारा शरीर जो है वो हमारे दिमाग से चलता है, तो हमारा दिमाग अगर दुरुस्त होगा तो हमारा शरीर भी दुरुस्त होगा। इसलिए यहाँ पर मैंने अखरोट लिए हैं। तो ये चार अखरोट मैंने लिए हैं, तो इसे हमें फोड़ कर इसका छिलका उतार लेना है और इसके अंदर की जो गिरी होती है उसे निकाल लेना है। तो चलिए इसे पहले हम निकाल लेते हैं। अखरोट के बाद यहाँ पर अगली जो चीज़ है वो है बादाम। जी हाँ दोस्तों, बादाम जो होता है ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, इसमें फाइबर होते हैं और ये भी हमारे शरीर से थकान और कमजोरी को दूर करता है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने बादाम लिए हैं। बादाम बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और अगर आप किसी भी तरह की थकान या कमजोरी महसूस कर रहे हैं तो ये उसे तुरंत दूर करेगा और हमारी नसों को भी ताकत देगा, जिससे कि हमारा शरीर भी ताकतवर बन जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर बादाम लिए हैं। तो आप 8 से 10 बादाम ले लें। और यहाँ पर मैंने अखरोट लिए हैं, तो इन दोनों को निकाल कर हम फिर से ड्रिंक तैयार करते हैं। अब यहाँ पर मैंने अखरोट का जो छिलका है उसे अलग कर लिया है और उसके अंदर की गिरी को अलग निकाल लिया है और यहाँ पर बादाम भी रखे हुए हैं। तो अब आपको अखरोट और बादाम को दोनों को लेकर रात भर के लिए पानी में भिगोकर रख देना है। तो पूरी रात हम इन्हें भिगोकर रख देंगे, जिससे कि इनके अंदर की गर्मी बाहर निकल जाएगी और फिर सुबह उससे हम अपनी ड्रिंक तैयार करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इन्हें पूरी रात एक भिगोकर रख दिया है, जिससे कि ये अच्छी तरीके से गल गए हैं और फूल गए हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि इनके अंदर जितनी भी गर्मी होती है वो निकल जाती है और इनका जो पूरा पोषक तत्व है वो हमें अच्छी तरीके से मिल जाते हैं, इसलिए हम इन्हें रात भर गला कर रखते हैं। अब यहाँ पर मैं इन बादाम में से इनका छिलका जो है उतार लूँगी। तो इस तरीके से आप बादाम का छिलका निकाल लें और ये पूरी रात भीगने के कारण इनका छिलका जो है वो आसानी से निकल जाता है। तो आप पूरी तरीके से इनका छिलका जो है वो हटा लें। तो यहाँ पर मैंने इसका छिलका निकाल लिया, इसी तरह हम सभी बादाम का छिलका निकाल लेंगे। सभी बादामों का छिलका मैंने उतार लिया है, आप देख सकते हैं छिलका उतार लिया है। अखरोट और बादाम अलग हो गए हैं और ये अब हम हटा देंगे। अब उसके बाद हमें क्या करना है कि इन सभी को मिक्सी के जार में लेकर डाल देंगे हम और इसमें थोड़ा सा हमें दूध लेना है। थोड़ा सा हम दूध मिला के इसका एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो चलिए पहले हम इसका एक पेस्ट तैयार कर लेते हैं। पेस्ट अब बन के तैयार हो चुका है, तो ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा सा पेस्ट हो गया है। इस तरीके के आप भी अपने मिक्सी की जार में पीस कर बना लें। चलिए अब आगे तैयार। यहाँ पर मैंने दूध को एक बर्तन में चढ़ा दिया है और ये लगभग 2 गिलास दूध है। यहाँ पर हमने 2 गिलास दूध लिया है, तो इतना आप दूध ले लें। और आज जो हम ड्रिंक तैयार कर रहे हैं, जो भी मैंने आपको सामग्री बताई, इसमें 2 गिलास ड्रिंक आपका तैयार हो जाएगा। अब हम इसमें जो हमने पीसा था, हमारा जो मिक्सचर था, वो इसे डाल देंगे। तो इसे मैं पूरा मिक्स कर दूंगी अच्छी तरीके से। तो सब मैंने इसमें डाल दिया है और इसे अच्छी तरीके से साफ़ कर लेंगे हम। इसमें अब मैं लगभग 2 चम्मच के करीबन शक्कर डालूंगी, यानी कि चीनी।
तो इसे हम थोड़ा सा चीनी डालकर अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं या फिर डायबिटीज़ के पेशेंट हैं या फिर आप चीनी ना लेना चाहें तो आप इसे ऐसे भी पी सकते हैं, और नहीं तो आप 2 चम्मच इसमें चीनी मिला लीजिए और इसे हम 2-3 उबाल आने तक अच्छे से उबाल लेंगे। हमारा जो दूध है वो बनकर तैयार हो चुका है और गैस को मैंने ऑफ कर दिया है, और अब इसे ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे गिलास में। ड्रिंक बनकर तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं, और ये ठंडा हो गया है, इसे मैंने एक गिलास में खाली कर लिया है, तो ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब आप इसे पी सकते हैं, और आज आप रोज़ डेली सुबह इसको 1 गिलास पीते हैं तो ये आपके शरीर से बिल्कुल कमजोरी और थकान को दूर कर देगा। तो इसे आप ज़रूर आजमा सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं अगर आपको भी कमजोरी और थकान लग रही है। तो ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।